हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंटारू दत्तात्रेय ने बृहस्पतिवार को राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। हरियाणा राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने बंटारू दत्तात्रेय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान हरियाणा आर्म्ड पुलिस की स्पेशल टुकड़ी ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। समारोह में राज्यपाल की पत्नी व राज्य की प्रथम महिला श्रीमती बंडारू वसंता, पुत्री बंडारू विजयलक्ष्मी और उनके परिवारजन व रिश्तेदार भी उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। मैं बंडारू दत्तात्रेय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक हरियाणा के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा और मैं हरियाणा की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। बता दें कि बंडारू दत्तात्रेय केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री और 4 बार सांसद रह चुके हैं। उनका जन्म 12 जून 1947 को हैदराबाद में हुआ। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीएससी की डिग्री हासिल की। वे पहली बार 1991 में 10वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 1998 में वे सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीते और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री बने। वर्ष 1999 में हुए मध्यावी चुनाव में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बने। वर्ष 2002 से 2003 तक वे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे और वर्ष 2003 से 2004 तक उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री और गरीबी उन्मूलन का कार्यभार संभाला। बंडारू दत्तात्रेय ने वर्ष 2014 में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार का कार्यभार भी संभाला। वर्ष 2019 में वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।